मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं की शेष परीक्षाएं बाहरी परीक्षा केंद्रों की बजाय छात्रों के अपने ही स्कूल में आयोजित होगी। यह जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान दी। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय की योजना जुलाई अंत तक रिजल्ट जारी करने की भी है। सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं की उन पेपरों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। सीबीएसई के एक अधिकारी ने शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कहा, छात्रों को बाहरी परीक्षा केंद्रों पर नहीं बल्कि अपने स्कूल में ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के लिए छात्रों को कम से कम यात्रा करनी पड़े, इसके मद्देनजर ही यह फैसला लिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा का आयोजन करना छात्र के स्कूल की जिम्मेदारी होगी। छात्रों को अभी अपना मार्क्स और सैनिटाइजर लेकर अपना स्कूल पहुँचना होगा। आमतौर पर सीबीएसई पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन छात्रों के अपने स्कूल में नहीं बल्कि अन्य स्कूलों में कराते थे। बोर्ड स्वतंत्र परीक्षकों में परीक्षा प्रक्रिया की भी निगरानी करवाता था। सोमवार को सीबीएसई ने जारी की थी कि शेष परीक्षाओं का डेट शीट परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। सीबीएसई ने डेट शीट जारी करने के साथ ही यह भी कहा कि परिजन सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा बीमार ना हो। अभ्यर्थी को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर वो अपने सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शॉर्ट न्यूज इंडिया। शॉर्ट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।